नीतिवचन अध्याय 9 नीतिवचन अध्याय 9 बुद्धि ने अपना घर बनाया है और उसके सातों खंभे गढ़े हुए हैं। उसने अपने पशु बध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी है। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है कि जो कोई भोला है वह मुड़कर यही आए, जो कोई निर्बुद्धि है उससे वह कहती है कि आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाख मधु को पियो। भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। जो ठट्टा करने वाले को शिक्षा देता है सो अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्टा करने वाले को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्टा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। मूर्खता रूपी स्त्री हौरा मचाने वाली है, वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती। वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में मचिया पर बैठी हुई जो बटोही अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं, उनको यह कहकर पुकारती है कि जो कोई भोला है वह मुड़कर यही आए। जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है कि चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है, और वह नहीं जानता कि वहां मरे हुए पड़े हैं और उस स्त्री के नेवताहारी अधोलोक के निचले स्थानों में पहुंचते हैं।